गुड मॉर्निंग छात्रों, आज के क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जान लेंगे। आप भी स्टोरी सुनने में क्या है इंटरेस्ट है ना आपको भी, तो एक नई कहानी सुनेंगे, एक नई स्टोरी सुनेंगे। वो लेसन के रूप में है, आप लेसन भी पढ़ लीजिए और आपको स्टोरी भी समझ में आए तो वो भी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो बच्चों, आपका लेसन नंबर 3 है फलों की कहानी, यानी फ्रूट्स की कहानी। फ्रूट्स की कहानी भी होती है ना बच्चों। क्या है फलों की कहानी में, आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे आज जान लेंगे। सविता नाम की एक लड़की रहती, सविता नाम की एक लड़की रहती है। आपका भी नाम है ना, जैसे कि संकेत रहता है, जैसे कि समीक्षा रहता है, जैसे कि विनुता रहता है, सृष्टि रहता है, वैसे ही बच्चों आपका भी नाम रहता है, वैसे ही लड़की का नाम है। सविता को फल खाना अच्छा नहीं लगता था। आपको भी घर में फल खाओ, फ्रूट्स खाओ बोलते, आप भी नहीं खाते, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए बोलते रहते ना, वैसे ही सविता को भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी माँ रोज उसके लिए फल लाती, रोज यानी डेली उसके लिए फ्रूट्स लाती थी उनकी माँ। माँ यानी मदर उसे फल काट काट कर देती थी, यानी कट करके देती थी, फ्रूट्स कट करके उसे देती थी और सब फेंक देती थी। वो लाती थी और क्या करती थी, हाँ उनकी माँ कट करके देती थी और एक बाहर जाने के बाद उसे डस्टबिन में फेंक देती थी, नहीं खाती थी। देखो बच्चों, एक दिन जब वह सो रही थी, एक दिन क्या हुआ, वो लड़की है ना उसका नाम है सविता, सविता सो रही थी, तब क्या हुआ, तब उसे सपना आया। सपना यानी देखो बच्चों, इधर लिखी हूँ मैंने ऑलरेडी, न्यू और सपना यानी ड्रीम, ड्रीम आया। ड्रीम में क्या आया, सपने में एक एक फल उसके पास आए और उससे बातें करने लगे, यानी एक एक फ्रूट्स आए सपने में, ड्रीम्स में, और उसके साथ बातें करने लगी। क्या क्या बातें करने, आपको भी सपने आते हैं ना, जैसे आप जो पिक्चर देखते हैं कार्टून्स के, डोरेमोन के, छोटा भीम के, वो सपने में आते हैं ना, वैसे ही उसे भी फलों में सपने में आया, फलों का सपना आया और एक एक करके उससे बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे, पहला सेब, सेब यानी एप्पल आया, एप्पल आके क्या बात किया, सविता बहन, बहन यानी सिस्टर, सविता बहन मैं फलों का राजा, फ्रूट्स का राजा हूँ, मुझे खाओगी तो कभी बीमार नहीं पड़ोगी, क्योंकि आपको रोज एक एप्पल खाने से आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपको रोग निरोधक शक्ति ज्यादा बढ़ता है एप्पल खाने से। सेब के पीछे पीछे अंगूर आया, अंगूर है ग्रेप्स, ग्रेप्स आया, सेब क्या बोला, मैं फलों का राजा हूँ, मुझे खाने से क्या हुआ, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको क्या होगा, स्ट्रांग हो जाओगी, ऐसे बोला गया। तो उसके पीछे अंगूर यानी ग्रेप्स आया, अंगूर क्या बोलता है, मैं हूँ हरा भरा, हरा रहता है ना, ग्रीन कलर रहता है ना, ग्रेप्स, मुझे खाने को तुम्हारे गाल सुंदर हो जाएंगे, ग्रेप्स खाने से क्या होगा, आपका गाल सुंदर हो जाएंगे, कितना मीठा मीठा हूँ मैं, यानी कितना स्वीट हूँ मैं, खाकर तो देखो, मुझे एक बार खाकर तो देखो, एक बार टेस्ट तो कर लो, तभी केला मटकते मटकते ऐसा मिलते जुलते आया, केला मुस्कुराते हुए यानी स्माइल स्माइल करते हुए क्या बोला, सविता बहन मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं, अगर तुम मुझे खाओगे, अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगी, यानी स्टमक में कभी
रहते हैं रेड कलर के, क्या हुआ सीड्स रहते हैं आना, मैं हूँ लाल लाल रस भरा आना, लाल रहता है ना रेड रहता है, लाल लाल रस भरा आना, मुझे खाओगे तो तुम्हारी गाल लाल लाल हो जाएंगे, तुम मुझे खाओगे तो आपके गाल क्या हो जाएंगे लाल लाल हो जाएंगे, बड़ी सुंदर लग रहे लगोगे, बहुत ब्यूटीफुल लगोगे तुम, इसीलिए तुम क्या करना होगा मुझे खा जाओ, एक बार टेस्ट कर लो। तभी लुटकता हुआ गोल मटुला खरबूज आए, खरबूजा बड़ा सा है ना, वो आया खरबूज आने उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर मस्तमलन। मैं हूँ रस से भरा फल, मैं गर्मी में प्यास बुझाता हूँ, यानी उसे क्या करते हैं समर में खाते हैं, इसे क्या होगा प्यास यानी थर्स्टी जाएगा, मुझे खाओगी तो प्यास लगी नहीं लगोगी। इसके बाद संतरा भी आया, संतरा ऑरेंज ऑरेंज आया, ओहो मुझे क्यों पीछे छोड़ दिया, मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी आ जाऊंगा, ऐसे बोला क्या कौन बोला संतरा। नारंगी रंग का हूँ, नारंगी यानी ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का हूँ, मुझ में अनेक बीज है, ऑरेंज में रहते हैं ना छोटे छोटे व्हाइट कलर के सीड्स रहते हैं ना, मेरे बीज चाबे कड़वे हो, देखो वो चाबे तो कभी भी कड़वे लगते हैं, पर मैं तो मीठा हूँ, मीठा मीठा और रस भरा हूँ, मेरे बीज कड़वे हैं लेकिन मैं मीठा मीठा रस भरा हूँ, स्वीट हूँ, मुझे खाने पर खांसी जुकाम कभी ना आए, खांसी यानी कोफा गंगला मेला क्या वो बरा मिला क्या वो तीन और संतरे हनु अथवा ऑरेंज हनु, सभी फल हमें खाओगी तो ताकतवर बन जाओगी समझी, सभी मिलकर क्या बोले मुझे खाओगी तो तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगी ताकतवर पहलवान बन जाओगी समझी सविता। हाँ मैं समझ गई, सविता क्या बोलती है हाँ मुझे समझ में आया, मैं समझ गई माँ कितनी मुश्किल से फल लाती पैसे देके, कितने मुश्किल से पैसे आते हैं ना माँ बाप काम करके लाते उसे आपके खर्च करके मार्केट से फल लाके फाट फाट कर देती है, परंतु आप नहीं करते बच्चों, आप भी नहीं करते ना, आप भी घर में ऐसे ही करते हैं, इसीलिए आप ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु मैं कभी नहीं खाती, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, सरिता को समझ में आया अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, रोज फल खाऊंगी यानी डेली फ्रूट्स खाऊंगी। सविता को फल खाना कभी अच्छा नहीं लगता था, पहले ये फ्रूट्स के सामने आने से पहले उसे फ्रूट्स खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब क्या हुआ वो सभी फ्रूट्स आके समझाए ना कि इसमें क्या गुण है समझने के बाद, परंतु अब वह फलों की गुण समझ चुकी थी, वह फलों के साथ नाचने गाने लगी यानी डांस करने लगी, सांग बोलने लगी, रोज रोज फल खाने से बच जाते हैं, डॉक्टर को बुलाने से यानी डॉक्टर के पास जाना बीमार पड़ना इंजेक्शन दवाई ये सभी क्या हो जाता है रुक जाता है, डॉक्टर को बुलाना ही बंद हो जाता है, आप भी जाना बंद हो जाता है, यानी आपके सेहत अच्छा रहता है, तो बच्चों आप भी कल से रोज एक फ्रूट खाना। उस दिन से सविता ने माँ के दिए फलों को खाने से मना नहीं किया, उस दिन से एक फ्रूट सपने में आए ना, उस दिन से क्या किया सपने में आने से सविता क्या किया रोज फ्रूट खाना मना नहीं किया, वह समझ गई कि फल खाना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, यानी हेल्थ के लिए अपना हेल्थ अच्छा रखने के लिए क्या है जरूरी है इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आपको क्या करना है, मैं सोचती हूँ कि ये फ्रूट्स का फलों की कहानी आपको समझ में आए और आप भी अपने जीवन में क्या करना है इसे अप्लाई करना है, आप भी क्या क्या फ्रूट्स खाने में क्या क्या फ्रूट कौन कौन से फ्रूट्स में
वर्ड मीनिंग क्लासवर्क में लिखो। वर्ड मीनिंग पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। बच्चों इन तीनों को आप क्लासवर्क में लिख लो और एक बार आप घर में ये लेसन को क्या करना है, रीड करना है। कल आपको ये एक्सरसाइज और एक बार समझा कि मैं आपको ये फोटो क्लिक करके भेजती हूँ, आपको बाद में क्लासवर्क में लिखना है। आज क्या करना है आपको, ये शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द तीनों क्लासवर्क में लिख के लेसन को रीड करना है। मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आया। बच्चों थैंक यू।